नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। डेविड हेडली की गवाही से पाकिस्तान तिलमिलाया। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने 2008 के मुंबई हमलों के मामले में डेविड हेडली की गवाही को झूठ का पुलिंदा बताते हुए भारत पर आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी के गढ़े हुए इकबालिया बयान से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हेडली ने अमेरिका में किसी गुप्त स्थान से वीडियो लिंक के जरिए अपनी गवाही के दूसरे दिन मंगलवार को दावा किया था कि लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों ने 26/11 हमलों को अंजाम देने से भी करीब एक साल पहले ताजमहल होटल में भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों की बैठक पर हमला करने की साजिश रची थी। गौरतलब है कि शिकागो की एक अदालत ने 55 वर्षीय डेविड हेडली को नवंबर में 2008 में हुए मुंबई हमलों में भूमिका के मामले में वर्ष 2013 में 35 वर्ष कारावास की सजा दी थी। कोहरे का कहर, हरियाणा में भिड़ी 30 गाड़ियां, 4 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1 पर कोहरे की वजह से बुधवार को करीब 30 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सड़क पर एक ट्रक खराब हो गया था और उसे पीछे से एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। उसके बाद कोहरे की वजह से कम 30 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। यूपी में रेलिंग तोड़कर गंग नहर में गिरा सेना का ट्रक। मेरठ कैंट से करीब दर्जन भर सेना के जवानों को लेकर दिल्ली जा रहा सेना का ट्रक अनियंत्रित होकर मुरादनगर गंग नहर पुलिस की रेलिंग तोड़ता हुआ गंग नहर में जा गिरा। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की है। पुलिस ने बताया कि गोताखोरों ने सभी जवानों को गंग नहर से सुरक्षित निकाल लिया। लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत नाजुक, अभी भी वेंटिलेटर पर। सियाचिन में 6 दिन के बाद बर्फ में जीवित दबे मिले सेना के लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें अभी भी वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की विशेष टीम उनका उपचार कर रही है और इसके लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कश्मीर के अनंतनाग में मस्जिद के इमाम की हत्या। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक मस्जिद के इमाम का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि शव मिलने के बाद बड़ागाम दोरू में दहशत फैल गई। शव की शिनाख्त अब्दुल हामिद मलिक के रूप में की गई है। वह एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे। स्थानीय लोगों ने इमाम की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और मामले की जांच करके हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।